बादशाह उन्हां नूं सलाम कर दे ते जिहड़े तेरे दर दे मरीज बन गए ओ तेरे दर दे टुकड़े खाण वाले कोई बाऊ ते कोई बाजीद बन गए ते जिन्ना हुसैन दे नाने नाल ओ वैर पाया ओ जन्मी शमर यजीद बन गए जिन्ना हुसैन दे नाने नाल प्यार पाया ए कोई दाता बन गए कोई फरीद बन गए। सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान गफूर। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत में रखे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जैसा कि आप देख सकते हैं धुंध पड़ी हुई है और बारिश वाला मौसम बना हुआ है। ये देखें बादल छाए हुए हैं और पीछे मेरे कितनी प्यारी हरियाली है। ये बरसीन है भैंसों का जो चारा होता है वो है। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान से मुलाकात करने के लिए जिससे हम लोग पढ़ते हैं। मैं तो उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज आपको के साथ मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। साथ मेरे उमर भाई जाएंगे क्योंकि साथ चलेंगे। वो अभी घर गए हैं। वो ट्राई बोर्ड जो है वो भूल गए हैं, वो लेने के लिए गए हैं। तो मैं रोड पे जा रहा हूँ। तो अभी तक वो आ चुके हैं। वो उमर भाई आ रहे हैं तो उमर जाएगा साथ। ठीक हो? सुनाए आप कैसी हैसियत आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। गरम ये हैं जी मोहम्मद भुट्टा साहब और ये बहुत ही अच्छे अंदाज से सैफ मुल्क पढ़ते हैं और माशाल्लाह इनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है। तो इनसे पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से सीखा? तो हाँ जी मोहम्मद भुट्टा साहब, ये मुझे बचपन का शौक था। ये आपको बचपन का शौक था? अच्छा माशाल्लाह। आपकी 12-13 साल उम्र थी जब मैं पढ़ता था। माशाल्लाह। तो पहले मैं पढ़ता था वैसे ही माशाल्लाह आम शो नहीं हुआ। वो तीक साहब मेरे साथ आए इधर। वो मैंने आपकी वीडियो देखी है। तीक साहब की और तीक साहब भी एक बहुत ही अच्छे अशआर पढ़ते हैं। जेलम के हैं, बहुत जेलम के हैं वो। बहुत भाई तीक साहब है मेरे साथ। अच्छा, तो इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होगी। तो ये महकमा पुलिस में है? पुलिस एक्साइज में है जी जी। तो माशाल्लाह इनकी आवाज़ अभी आपको चेक करवाते हैं। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र तकरीबन 30 साल हो चुकी है जब से हमने फौज संभाला ना। तो मोहम्मद भुट्टा साहब को यहीं देखा है, यही समझ ले कि हम इनके हाथों पले बढ़े हैं। यही बात है, इनसे मुलाकातें होती रही हैं माशाल्लाह। तो बहुत दुनिया की मोहब्बत है जी, जो बहुत प्यार करने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो मियां साहब का कलाम सुनते हैं। तो मोहम्मद भुट्टा साहब कोई कलाम सुनाए ना हमारे व्यूवर्स को भी। मैं पहले एक रबाई बोलता हूँ, जब मैं रबाई बोलता हूँ तो मैं शुरू से वो सबसे पहले मेरी रबाई है। अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल وسلم عليك يا حبيب الله। और मैं एक रबाई बड़ी प्यारी रबाई है, जब आदमी फौत होता है ना जो कहता है मैं मरांगा नाल तेरे हैं जी। तो शफाक साहब जो फौत हैं उनकी याद में एक रबाई पेश कर रहा हूँ, जो मैं उनके बारे में एक रबाई पेश कर रहा हूँ। और जब मैं रबाई बोलता हूँ ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि
जेड़े कहते सी मरांगे हो नाल तेरे अज उन्ना भी बाजिया हारिया ने एक कोठड़ी मिल सी रहने जोगी ना बुए ते ना बारिया ने जद बाग विच खजाने बाल खोले ए पंछी उड़ गए मार उडारिया ने ते ममद बूटिया बसदा जग सारा ए कंबली वाले दिया सचिया यारिया ने ते आखिर भाई ते काफ कखां दिया कुलियां रैन कलियां ते चुने कच हवेलियां ओ टंडियां ने वेले ओकड़े छोकड़े लंघ जांदे ते गल्लां याद चौधरी शफाक दियां रहंदियां ने ते जदू मलकन मौत ने पाया फेरा ते मेहंदियां हथां ते लगियां ओ रहंदियां ने ओ वारिश शामियां माफियो दुनिया दियां जदों गल मुसीबतां पैंदियां ने किस गम मंदे ने ए दुनिया ए दुनिया ओ दिन चार दियारे ते किए तू ले जाना यार बना तू कंबली वाला ते जे जन्नत तू जाना। इमरान साहब बड़ा प्यारा शेर ते सरकार फरमांदे ने मिट्टी दा तू ए मिट्टी आना कादी बल्ले ओ बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थले ते पाई पाया दे पाई पाया दे भाई पाया दे ए दुश्मनियों दे ते भाई पाया दिया बावा बाप सिरे ए दादाज मुहम्मद ए मामा ठंडिया ए छावा दरगाह फरमांद ने जेड़ी मेहंदी जेड़ी मेहंदी ओ रंग ना देवे कि फिर उसदा ए लाउणा ए जिथे गया दी कदर ना होवे उठे की मुहम्मद जाना ए रोगा बिचों रोग अवलड़ा ए रोगा बिचों रोग अवलड़ा जिस दा नाम है गरीबी औखे वेले ओ छड जांदे ने ते रिश्तेदार करीबी ते रहमत दा वाह प्यारा शेर सरकार ना ते रहमत दा दरियाए लाई हर दम बगदा ओ तेरा ओ जे एक कतरा
ए बख्शे मैनो ते कम बन जांदे मेरा ते रहमत दामी पाहुदा बाग सुखा कर हरिया बूटा आस अमीद मेरी दा ते कर दे मेवे ओंबरिया ते तुर गे ने यारा मोहब्बत वाले लगे नाल वासे यार मुहम्मद हुन दिल नहीं हो लगदा ते जाये ते ने पासे ते ला यारा हवाले रब दे मिलला जांदी ई वारी इस मिलने नू ए याद करा से ते रोजे उबरा ए सारी ते पीर जे मेरा वाह सरकार बड़ा प्यारा शेर ते पीर जे मेरा ए दमड़िया वाला पीर शावे कलंदर हर दम दे विच मदद करेंदा ते दोवां जवाना अंदर ते सदा बहार ओ देस बाये ते कदी खजाना आवे ओ मन फाज हजारा ताई ते हर पुखा फल खावे जिन्ना दुखा विच आ दिल भर राजी ते सुखूं ना तू वारे दुख कमूल मोहम्मद बख्शा तेरा जी रैन प्यारे ते लपी बुकी ए मिट्टी पांदे कर दे तेरा चेहरा पाने दरूद करानू दे वतनी पांदे ए फेरा ते लहा यारा हवाले रब दे मेले जार दिना दे उस दिन ईद मुबारक ओसी एवेरियान मिलांगे। असरान भाई बड़े प्यारे मेरे दोस्त भी इधर में नौकरी भी की है और बहुत आशिक रसूल भी हैं और जमीया सरकार के आशिक। बचपन हमारा इधर ही गुजरा है इनके साथ ही, बचपन से हमें इन्हें देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में ये सब लोग पढ़ते हैं। तो सरकार फरमाते ने जिन्ना इश्क ए नमाजा पढ़िया ओ कदे नहीं मरदे वलियां दे दरबार उते ए तक लो जीवे बल दे वली अल्लाह दे ए वली अल्लाह दे मर्द नहीं करदे पढ़दा ए पोशी की होया जे दुनिया तो
ए तुर गए नाल माशाल्लाह सलाम साहब हो जाओ आप शुक्रिया जो मेरे पास आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आज जुमे का दिन भी है माशाल्लाह, जुमे का दिन भी है। तो अभी हम जुमा पढ़ने के लिए निकलेंगे, टाइम इंशाल्लाह चलते हैं फिर। हमारे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया माशाल्लाह। तो ये ओके, खुदा हाफिज। ये थे जी मोहम्मद बूटा साहब, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में सैफ लुक पढ़ा। इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ माशाल्लाह से, बचपन से हमारा यहाँ बचपन हमारा यहीं गुजरा है, इनके पास हमारा पास ही गांव है, इतना दूर नहीं है, तो ये यहीं रहे हैं। तो ये महकमा पुलिस में है, तो माशाल्लाह से इन्होंने देखें यहाँ पर कितने प्यारे पौधे लगाए हुए हैं, और ये बहुत ही प्यार करते हैं इन चीज़ों से माशाल्लाह। ये देखें हर किस्म का इन्होंने पौधा लगाया हुआ है, और ये नहर किनारे है बिल्कुल पुल के साथ माशाल्लाह, ये पुल थे। आज की वीडियो यहाँ तक ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। खुदा हाफिज़।